अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जनाब, आज फिर हम लकी वन मौजूद हैं लकी वन में, क्योंकि 14 अगस्त का फंक्शन हो रहा है। तो आज 13 अगस्त है और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देखने आए हैं कि क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि 14 अगस्त तो हमारा प्लान ओशन मॉल जाने का है, तो इस वजह से हम 13 को ही यहाँ पर आ गए थे। और हर तरफ माशाल्लाह बहुत कलरफुल सा इन्होंने सजाया हुआ है, ग्रीन और वाइट की थीम है, कलरफुल नहीं है सॉरी, ग्रीन और वाइट की थीम रखी हुई है। हर तरफ ग्रीन बैलून्स हैं, वाइट बैलून्स हैं। इसके अलावा लाइटिंग का भी जो ख्याल रखा गया हुआ है वो भी ग्रीन और वाइट है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कप केक वाले आए हुए हैं यहाँ पर, वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बच्चों के फेस पे पेंटिंग्स हो रही है और इसके अलावा बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। हर तरफ बच्चों में एक ईद का सा समा हुआ हुआ है यहाँ पर। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया मैं लकी वन ज़्यादा क्यों जाती हूँ। लकी वन इसलिए हम लोगों का ज़्यादा आना हो जाता है कि बच्चे बोर हो रहे होते हैं या कोई भी छोटा मोटा इवेंट होता है, हम लोग लकी वन इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है और बहुत करीब है हमारे घर के। तो जब भी बच्चे थोड़ा बोर हो रहे हों, जाहिर है अभी बारिशें हो रही हैं, मौसम इतना अच्छा नहीं है कि हम कहीं दूर जाएँ, तो इस वजह से हम लकी वन की तरफ आ जाते हैं और थोड़ा सा बच्चे इंजॉय कर लेते हैं यहाँ पर आके। यहाँ पर इतना अच्छा सजाया हुआ था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर फूड कोर्ट में इस कदर रश था कि हंसी को आइसिंग खानी थी मैकडोनल्ड्स की। कि ये हमारे साहबजादे हमसे नाराज़ हुए हुए हैं क्योंकि इनको जगह नहीं मिल रही, सारी टेबल्स बुक्स हुई हुई हैं और बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। अब जैसे ही कोई टेबल खाली होती है तो हम लोग बैठते हैं क्योंकि घूम घूम के ये थक चुका है। इसको यहाँ पे आइसक्रीम खानी है, मैकडोनल्ड का जो नया फ्लेवर आया है 14 अगस्त पर, वो उसको खाना है। तो वेट कर रहे हैं हमें कोई टेबल मिल जाए, तो बस फिर हम बैठते हैं और आइसक्रीम को इंजॉय करते हैं। और आखिरकार हमें जगह मिल ही गई और हम बैठ गए और ऑर्डर का अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि आइसक्रीम के कॉर्नर पे रश कम हो तो हम लोग आइसक्रीम लेकर आए। हसीब को तंग कर रही हूँ कि हसीब आपकी आइसक्रीम नहीं मिलने वाली क्योंकि बहुत रश लगा हुआ है मैकडोनल्ड पे, और ये मुझसे बस कुछ खफा सा बैठा हुआ है, नाराज़ हुआ हुआ है कि इसको आइसक्रीम मिल जाए जल्दी से। और ये हसीब की मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम आ गई है जो कि इनका वनीला फ्लेवर ही है, लेकिन वो उन्होंने जो बेस इसके रखा हुआ है वेफर का, उसका कलर ग्रीन कर दिया है। तो इसको बस ये शौक चढ़ा हुआ था कि इसके फ्रेंड्स ने खाई है तो इसे भी ये आइसक्रीम खानी थी, लेकिन ये कि मुझे इतना पसंद नहीं आया, ना तो उसका कलर इतना खूबसूरत था और टेस्ट भी कुछ ख़ास नहीं था, वही पुरानी वाली मैकडोनल्ड की आइसक्रीम अच्छी है। हम फूड कोर्ट से निकल आए हैं और नीचे जा रहे हैं, लेकिन हसीब की आइसक्रीम अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देख सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, हर तरफ ग्रीन और वाइट बैलून्स हैं और अभी तक हसीब की आइसक्रीम चल रही है, हसीब की आइसक्रीम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और आज 13 अगस्त है, हर तरफ सेल लगी हुई है, कहीं 1947 की है और कहीं 75% है, 50% है, 25% है, हर तरफ सेल्स लगी हुई हैं। लोग अपनी शॉपिंग में भी मसरूफ़ हैं, कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग पिक्चर्स बनवा रहे हैं, हर तरफ एक ईद का सा सामान जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लग रहा है। छोटे बच्चे खासकर बहुत खुश हैं। और उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।